अगर आप कश्मीर जाने वाले हैं और आपको ट्रैवल प्लान करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि आपको ट्रैवल प्लान खुद से करना चाहिए या किसी ट्रैवल एजेंसी से करवाना चाहिए, देन यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में वो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे और आप अपनी प्लानिंग खुद से कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल होलिक रोहित में। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कश्मीर ट्रिप की प्लानिंग आप कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि 2 नाइट्स कहाँ पे रहना है, 3 नाइट्स कहाँ पे रहना है। ये जो वीडियो होने वाला है ये इसमें होने वाला है कि अगर आप कश्मीर जा रहे हैं और वहाँ पे आप 6 नाइट का प्लान कर रहे हैं, 6 नाइट 7 डे का, तो बेस्ट वे क्या होना चाहिए स्टे का और किस तरीके से 6 नाइट को आपकी डिवाइड करना चाहिए, वहां पे अलग अलग डेस्टिनेशन पे टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से मिलेंगे जो आपको अपने आइटेनरी में मेंशन करना चाहिए, वो सारी डिटेल्स एक छोटे से वीडियो में आपको पता चल जाएगी। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिटेल में आप लोगों के लिए मैंने प्रिपेयर किया ये, क्योंकि मेरी रिसेंट जो ट्रिप थी वो कश्मीर की थी और बहुत सारे वीडियोज कश्मीर ट्रिप से रिलेटेड ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। कश्मीर प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोज आप डिटेल्ड में हर एक डेस्टिनेशन को, गुलमर्ग, श्रीनगर और पहलगांव को आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं वो सारे वीडियोज भी। तो चलते हैं वीडियो में आगे और आपको बताता हूं मैं कि किस तरीके से आप अपनी कश्मीर ट्रिप की प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर ट्रिप के 6 नाइट के प्लानिंग की। तो 6 नाइट को आप डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से कि या तो आप अगर बहुत ज्यादा चाहते हैं कि अपने ट्रिप में थोड़ा सा कंफर्ट डालना चाहते हैं, तो आप 2 नाइट्स श्रीनगर, 2 नाइट्स गुलमर्ग एंड 2 नाइट्स पहलगाम, इस तरीके से आप अपने ट्रिप को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आपको होगा क्या कि जब 2 नाइट्स आप श्रीनगर में रहेंगे तो वहां के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको आप एक्सप्लोर भी कर पाएंगे और 1 नाइट आप वहां से सोनमर्ग के लिए भी जा सकते हैं अगर आप चाहें तो ये आपके ऊपर होगा। उसके अलावा 2 नाइट्स जब आप गुलमर्ग में रहेंगे तो वहां पे गुलमर्ग की ब्यूटी को अच्छे तरीके से आप सोक इन कर पाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा एक कंफर्टेबल ट्रिप रहेगा आपके लिए। और 2 नाइट्स पहलगाम में जब रहेंगे तो आप वहां के टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर कर पाएंगे। टूरिस्ट प्लेसेस पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम देखते हैं कि 6 नाइट को डिवाइड कैसे करेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया कि 2 नाइट्स श्रीनगर, 2 नाइट्स पहलगाम और 2 नाइट्स गुलमर्ग। इसमें आपका बजट थोड़ा सा बढ़ सकता है। रीजन क्या है इसके पीछे कि गुलमर्ग के होटल बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, तो उसमें आपका बजट थोड़ा हिल सकता है। बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो भी मैं डालने वाला हूं 2-3 दिन के बाद, जिसमें आपको मैं बजट के ऊपर बहुत ही अच्छी एक जानकारी दूंगा। आज हम जानेंगे दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 3 नाइट्स आप श्रीनगर में डाल दें और एक नाइट जो है वो गुलमर्ग में करें आप, और 1 नाइट जो वहां पे आप पैसा बचाएंगे वो कहीं और यूज कर सकते हैं। उसके अलावा 2 नाइट्स पहलगाम, दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका ये हो सकता है जो बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्लान करते हैं और किसी अगर ट्रैवल एजेंसी से आप अगर बात करेंगे तो इस तरीके की आइटनरी वो भी देंगे आपको अगर आप उनसे बोलेंगे तो। इसमें 5-6 नाइट आपका श्रीनगर में ही होता है और जो सारे डेस्टिनेशन है पहलगाम, गुलमर्ग, वो सब सेम डे आप जाते हो और शाम को रात तक लौट के आप आ जाते हो। उसमें क्या होता है कि श्रीनगर में आपको होटल के बहुत ही अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, इकोनॉमिकल होटल मिल जाते हैं, उसमें आपका खर्चा बच जाता है और आप सारे टूरिस्ट प्लेसेस को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर ही कर पाते हैं। इसमें आपका कंफर्ट थोड़ा सा हिल जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा थक जाएंगे, क्योंकि एवरी डे आपको मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, 10-11 बजे तक वहां पहुंचना पड़ेगा, फिर शाम में सारा कुछ घूम के आपको लौट के आना पड़ेगा और 2-3 घंटे का ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको परेशानी झेलना पड़ेगा बट आपका पैसा बच जाएगा। तो ये तरीके हैं। और एक तरीका ये है कि 4 नाइट्स आप श्रीनगर में रखें और 2 नाइट्स पहलगाम में रखें, और जो 4 नाइट्स आप श्रीनगर में रखेंगे वहां से आप गुलमर्ग जाएं, सोनमर्ग जाएं, दूधपत्री जाएं, आपके ऊपर है, और 2 नाइट्स आप पहलगाम में जाएं और वहां जाके उसके टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करें। तो ये इस तरीके से आप 6 नाइट को डिवाइड कर सकते हैं, ये आपकी च्वाइस है। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे, जब भी आप ट्रैवल एजेंसी से बात करते हैं तो अलग अलग तरीके के आपको ट्रैवल पैकेज भेजा जाता है, आप भी कंफ्यूज हो जाते हो और आप कहीं ना कई बार जाते हो यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोज एक्सप्लोर करते हो, वहां भी जाके आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए मुझे लगा था कि इस तरीके की वीडियो की कमी है यूट्यूब पे, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। उम्मीद है कि आपका जो 6 नाइट को डिवाइड करने का जो प्लान है वो क्लियर हो गया होगा ये देखने के बाद। अब हम बात करते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन के टूरिस्ट प्लेसेस की। टूरिस्ट प्लेसेस को जानने के बाद भी आपको हेल्पफुल होगा कि आपको कितने नाइट को कहां पे रहना है, जो 6 नाइट को डिवाइड करना है उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की जब ट्रैवल करने वो जाते हैं तो उनकी एक अलग चॉइस होती है। कुछ लोग चाहते हैं टेम्पल विजिट करना, कुछ लोग चाहते हैं एडवेंचर करना, कुछ लोग चाहते हैं शांति से कहीं पर जाके पड़े रहना, तो वो इससे आपको हेल्प मिल जाएगा।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीनगर की, क्योंकि श्रीनगर कश्मीर का दिल भी है। और श्रीनगर में सबसे जो पहला डेस्टिनेशन है वो मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि कश्मीर में टेंपल बहुत कम मिलते हैं आपको, तो सबसे पहले आपको जो विजिट करने वहां पर जाना चाहिए वो श्री शंकराचार्य जी का टेंपल विजिट करना चाहिए। और ये लोकल श्रीनगर में ही है, डल लेक के बिल्कुल ही पास में है, तो ये आप एक प्लेस है जो श्रीनगर में विजिट करना चाहिए, मस्ट विजिट प्लेस। दूसरा डल लेक आपको विजिट करना चाहिए, डल लेक में शिकारा जाके करना चाहिए, वो आप कर सकते हैं, और क्योंकि वहां पे आपको काफी टाइम भी लगेगा। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल गार्डन्स है, तो अगर आप स्प्रिंग सीजन में जाते हैं तो आपको वहां पे बहुत ही अच्छा एक ग्रीनरी मिलेगा गार्डन के अंदर। बहुत ज्यादा अगर आप ठंड में जाएंगे तो हो सकता है सूखा मिले, फ्लावर्स आपको देखने को नहीं मिले। तो निशात बाग है, फिर शालीमार बाग है, चश्मे शाही, परी महल, तो ये सारे बाग भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। परी महल, चश्मे शाही, ये दो मैं बोलूंगा कि आपको जरूर जाना चाहिए। तो श्रीनगर में ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस पड़ते हैं जो आप वहां पे आके विजिट कर सकते हैं। दूसरा गुलमर्ग की बात करते हैं। एक चीज आपको ध्यान देना है, जब गुलमर्ग आप जा रहे हैं तो उसी रास्ते में ड्रंग फ्रोजन वाटरफॉल पड़ता है। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि वो कहां पड़ता है, बहुत सारे वीडियोज आप देखे होंगे और आपका भी एक्साइटमेंट बढ़ गया होगा उसको देख के कि बहुत ही अच्छा प्लेस है, आपको जाना चाहिए, मस्ट विजिट प्लेस है ड्रंग फ्रोजन वाटरफॉल। लेकिन वो आपको गुलमर्ग जाने, जब श्रीनगर से गुलमर्ग जाएंगे तो वहीं पे पड़ता है, तो मैं इसको गुलमर्ग में ही काउंट करता हूं कि गुलमर्ग में एक जो आपको टूरिस्ट प्लेस पड़ता है वो है ड्रंग फ्रोजन वाटरफॉल, जो टनमर्ग से रास्ता कट जाता है, उसके लिए अलग टैक्सी लेनी पड़ेगी आपको। बजट के ऊपर मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो डालने वाला हूं, वो जाके आप देख लीजिएगा तो आपको क्लियर भी हो जाएगी बजट किस तरीके से आपको अलग अलग जगह पे कितना पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो वरना बड़ा हो जाता। तो एक तो हो गया आपको ड्रंग फ्रोजन वाटरफॉल। गुलमर्ग में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे आप जाके आप किस लिए जाते हैं, वहां पे आप जाते हैं गंडोला राइड, गंडोला राइड करते हैं आप, फेज वन पे जाते हैं वहां पे बर्फ के साथ खेलते हैं, फिर फेज टू आप जाते हैं वहां पे बर्फ के साथ खेलते हैं। तो गुलमर्ग में ज्यादा कुछ नहीं है, ड्रंग फ्रोजन वाटरफॉल और गंडोला का फेज वन एंड फेज टू। फेज वन फेज टू की ऑनलाइन बुकिंग ही सिर्फ होती है, ऑफलाइन नहीं होती है। बुकिंग किस तरीके से होती है इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियो का लिंक डाल दिया है, और मेरे कश्मीर प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल ही जाएगा आपको, तो वो जाके आप चेक कर सकते हैं, जिसके आपको जानकारी मिल जाएगी कि बहुत ही आसानी तरीके से आप कैसे अपने गंडोला राइड की बुकिंग कर सकते हैं। सो गुलमर्ग को हमने एक्सप्लोर कर लिया कि गुलमर्ग के कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं। उसके अलावा एक चीज और है जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, खाइबर, वहां पे एक फाइव स्टार प्रॉपर्टी है जो बहुत नामी गामी प्रॉपर्टी है। सारे सेलिब्रिटी जब भी कश्मीर ट्रिप पे जाते हैं, गुलमर्ग में रुकते हैं तो खाइबर में ही रुकते हैं। बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, 50,000 प्लस का उसका टैरिफ है एक नाइट का, बट वहां पे फ्री में आप कैसे विजिट कर सकते हैं या 1-2 हजार रुपया पे करके कैसे विजिट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, तो मेरे चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा। तो आप फाइव स्टार प्रॉपर्टी को, खाइबर जैसी प्रॉपर्टी को फ्री ऑफ कॉस्ट जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने भी वीडियो एक बनाया हुआ है, तो वो जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब ये हो गई गुलमर्ग की बात। तीसरा जो है प्लेस वो है पहलगाम। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, कश्मीर का दिल कह सकते हैं इसे आप, और मुझे लगता है कि पूरे कश्मीर वैली में सबसे जो प्यारी जगह है वो है पहलगाम। तो पहलगाम में आप जब जाएंगे तो वहां के टूरिस्ट प्लेसेस को भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। वहां पे टूरिस्ट प्लेसेस थोड़ा ज्यादा हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप जाके वहां पे वन नाइट टू नाइट स्पेंड कर सकते हैं तो आप अच्छे तरीके से सारे टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे और थकेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले वहां पे एबीसी, एबीसी का मतलब ये होता है कि आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी। इसके लिए आपको सेपरेट टैक्सी लेनी पड़ेगी, उसका क्या टैरिफ है उसके ऊपर मैंने एक, वैसे मेरे पहलगांव के वीडियोज में जब जाएंगे तो मैंने पहलगांव पे जो डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ वहां पे भी मैंने मेंशन किया हुआ, तो उसे जाकर आप चेक कर सकते हैं, बट एक बजट का ट्रिप तो मैं वीडियो में डालने ही वाला हूं। सो पहलगांव में आपको एबीसी हो गया, उसके बाद बैसरन वैली आप जा सकते हैं। बैसरन वैली के लिए कोई गाड़ी नहीं जाती है तो आपको घोड़े से जाना पड़ेगा। तो दूसरा तो प्लेस हो गया एबीसी के बाद, सॉरी तीन एबीसी में तीन प्लेसेस हो गए और चौथा हो गया बैसरन वैली। उसके अलावा वहां पे कुछ बहुत अच्छे पार्क भी हैं जो आप जा सकते हैं। एक तो लीडर रिवर है वहां पे, तो लीडर रिवर व्यू पार्क आपको मिल जाएगा, क्लब पार्क मिल जाएगा। तो ये दोनों जो पार्क है बहुत ही प्यारे हैं, इंस्टाग्रामेबल है, तो वहां जाके अच्छे अच्छे रील्स वीडियोज आप वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फोटोजेनिक है, अच्छे अच्छे फोटोज वहां पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये दोनों पार्क भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मॉल रोड वहां का जो है, जो मेन रोड है, वहां पे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मॉल रोड है, थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग। बहुत सारे जो हिल स्टेशन पे मॉल रोड होते हैं उससे थोड़ा सा अलग है, तो पहलगांव के मॉल रोड को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
उसके अलावा पहलगाम में एक 11,000 साल पुरानी मंदिर भी है, वो है मामलेश्वर, श्री मामलेश्वर महादेव टेम्पल, वो जरूर विजिट कर लीजिएगा आप। और ज्यादा बहुत ही बिल्कुल सिटी जो है पहलगांव का सेंटर में ही है, तो ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो मामलेश्वर महादेव टेम्पल जरूर विजिट कर लेना, हम भी गए थे वहां पे। तो ये थे पहलगाम के टूरिस्ट प्लेसेस, हमने गुलमर्ग कवर कर लिया है फ्रेंड्स, श्रीनगर कर लिया है, पहलगाम कर लिया है, अब हम बात करते हैं सोनमर्ग की। तो सोनमर्ग में आपको कुछ नहीं करना, सोनमर्ग में ज्यादा कुछ टूरिस्ट प्लेसेस है नहीं, जनरली लोग वहां पे स्नो एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं। तो आप वन नाइट वन डे के लिए टू एंड फ्रो, सेम डे जाना सेम डे आना कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे आप वो कहीं से तो नहीं, आप जनरली कभी करेंगे जब आप श्रीनगर में स्टे करेंगे। दूध पथरी भी आप कर सकते हैं, अप टू यू, लेकिन आपको जो मस्ट विजिट प्लेसेस हैं वो श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग, ये तो आपको अपने आइटनरी में रखना ही चाहिए। बट अगर आपके पास ज्यादा समय है और आप किसी चीज को कट करके जो मैंने टूरिस्ट प्लेसेस आपको बताए हैं उसमें दूध पथरी और सोनमर्ग को ऐड करना चाहते हैं, तो वो सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि एक सिक्स नाइट को किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग स्टे ऑप्शन के साथ। उसके अलावा आपको अलग अलग जगहों पे सारे टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से मिल जाते हैं। तो यही मेरी उम्मीद थी, क्योंकि ये इस तरीके का वीडियो मैंने अभी तक उस पर नहीं देखा था यूट्यूब पे, तो मुझे लगा था कि आप लोगों के साथ ऐसा वीडियो मुझे शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो अपने कश्मीर ट्रिप को प्लान करने के लिए, और अच्छे तरीके से आप अपना जो ट्रिप है वो प्लान कर पाए बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी बहुत सारे ज्यादा वीडियोज में जाएंगे, जितना ज्यादा वीडियो देखेंगे आप उतना ज्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको पूरी जानकारी मिली हुई होगी कि आपको कश्मीर ट्रिप का प्लान कैसे करना है। अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं श्रीनगर के बारे में, श्रीनगर के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, पहलगाम के बारे में, पहलगाम के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, या गुलमर्ग के बारे में, गुलमर्ग के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, कश्मीर प्लेलिस्ट में जाएं, उन वीडियोस को देखें, आपको डीप में उस अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानने को मिलेगा, कैसा वो दिखता है उसके बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि वहां घूमना है या नहीं घूमना है, तो वो वीडियोज भी जाके आप देख सकते हैं। बहुत जल्द मिलूंगा आप लोगों को अपने नए वीडियो में। अगर मेरे चैनल को पहली बार, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ट्रैवल होलिक रोहित को। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम पे मैं अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम पे भी, तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, कुछ भी आपको पूछना है कश्मीर ट्रिप से रिलेटेड तो जस्ट वीडियो में कमेंट करें, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर वहां पे दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होता हूं अपने सब्सक्राइबर के साथ, तो वहां पे आपको कमेंट बॉक्स में आपको जरूर मेरा आंसर वहां पे मिलेगा। इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए बने रहे मेरे चैनल ट्रैवल होलिक रोहित पे। बहुत जल्द मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, बाय, टेक केयर।